मौज ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा लें इंडिया गॉट टैलेंट के वाइल्ड कार्ड एंट्री में। मौज बना, हिट हो जा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने बुधवार को अमेठी के जगदीशपुर में सभा को संबोधित किया। जगदीशपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि उन्हें आज इसके बारे में पता चला है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी पर तंज कसते हुए कहा कि 3 सालों में मैंने इस समस्या को कई बार दोहराया, सीएम को चिट्ठी लिखी, लेकिन आज बोल रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था। प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खांसते हैं तो भी इन्हें पता चल जाता है, लेकिन किसान परेशान होते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान रोज 27 रुपए ही कमा पाता है, लेकिन आपको किसानों की समस्या का पता नहीं चल पाता। किसानों की बात करिए, किसानों को उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, किसान बेचारे खाद की लाइन में खड़े खड़े ललितपुर बुंदेलखंड में देखिए खड़े खड़े उनकी मृत्यु हो गई। कई किसान हैं जो आत्महत्या कर लिए क्योंकि उपज का दाम नहीं मिल रहा है। छुट्टे जानवर की इतनी बड़ी समस्या है, सुबह शाम मेहनत करनी पड़ती है, चौकीदारी करनी पड़ती है अपने खेतों की, कमाई नहीं हो रही है, खाद नहीं मिल रहा है, तो किसान भी बहुत परेशान है। अब इसके बारे में क्या कहती है सरकार? प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए 4-5 दिन पहले, उन्होंने कहा कि ये जो छुट्टे जानवर की परेशानी है, की समस्या है, इसके बारे में मुझे आज संज्ञान हुआ है। अभी पता चला है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब बताइए, पिछले चुनाव में मैं यहाँ आई थी 2019 में, मैंने जब भाषण दिया यही जगदीशपुर में, तब मैंने कहा था कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सुलझाने का काम होना चाहिए। कांग्रेस के हर नेता ने कहा, 3 सालों में मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी कि देखिए बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ करिए, किसान जूझ रहा है। अब कह रहे कि हमें मालूम ही नहीं था। आप मुख्यमंत्री, आपका सरकार, आपकी केंद्र में सरकार आपकी, वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी खांसते हैं आपको पता चल जाता है, आप चिट्ठी लिख लेते हैं उनको। यहाँ किसान मर रहा है, जूझ रहा है परेशानियों से, किसान 27 से 30 रुपए प्रतिदिन कमा नहीं पा रहा है। आपके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जिनको आप पूरे देश की संपत्ति सौंप रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए एक दिन में, और आप कह रहे हैं कि आपको किसान की परेशानियां नहीं मालूम। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने अमेठी के गौरीगंज में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। रोजगार पर बात करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ पर हुनर है, उपजाऊ जमीन है, तमाम छोटे छोटे उद्योग हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर दुख होता है। प्रियंका गांधी ने लोगों से सवाल किया कि आप में से क्या कोई एक भी युवा है जिसे पिछले 5 साल में रोजगार मिला है? प्रदेश में 12 लाख पद खाली पड़े हैं और सरकार ने आपको रोजगार नहीं दिए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि रोजगार के दूसरे साधन हैं सरकारी कंपनियां, लेकिन उन्हें बेचा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।